फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि रास्ता का हाल ये मुस्तंग का रास्ता है। एक्चुअली मुस्तंग का रास्ता अगर ढूंढेंगे तो पोखरा से बेनी बाजार जो है 68 किलोमीटर लगभग ठीक है हर बाइक के लिए और हर व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल रफ रोड और ऑफ रोड जिसको हम बोलते हैं वो शुरू होता है बेनी बाजार से। बेनी बाजार एक पॉइंट है जहाँ से लगभग 60% सब बास मैंने लंबा जो व्हीकल है बास बोलिए बा आपको दिखाया अभी वो है आपका जमसम से आगे, मतलब बहुत सारा जगह का नाम है। आप अगर पर्टिकुलर कुछ मेन मेन जगह का आप पॉइंट कर ली पॉइंट कीजिएगा तो जमसम एक मेन छोटा सा गांव बोल सकते हैं। उधर में पोखरा से डायरेक्ट बा काठमांडू से डायरेक्ट फ्लाइट जाता है वो मेन एक जगह है और वो जमसम से पहले वो जगह एक रिवर बेड है और उधर में पूरा ग्रेवल है और पूरा ऑफ रोडिंग का बाइक का मज़ा आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और वो जो आपको अब दिखाएंगे कैसे करके वो एक नदी हम पार करते हैं, दूर से कैमरा में देखने में बहुत आसानी लग रहा है मगर सच बोलूं दोस्तों पूरा रिस्की है क्योंकि हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कितना डीप है वो नदी और कैसे करके हम वो पार करेंगे, थोड़ा टेंशन हो रहा था। एक्चुअली ऐसा खराब रास्ता मैं पहले बार गया हूँ और ट्राई भी किया हूँ। ठीक है, मैं वो फिर से दिखाता हूँ कैसे करके हम लोग गए थे, देखिए थोड़ा। देखा दोस्तों कितना ठंड पड़ा है इधर, आज तो शायद 4-5 दिन ही होगा, बहुत कष्ट हो रहा है सबको। एक्चुअली बुरे लोग को तो बहुत ही कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम होता है स्पेशली आपका
लास्ट में मेरे मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम होता है चीज़ खाने में। ओके अभी आपको एक और एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, वो वाला वीडियो एक्चुअली ऑफ रोडिंग का ही है। अब देखिए वो लेटे से जाते हुए जोमसोम बोल के जगह है, वो जाते हुए एक गुजरता है। रास्ता बहुत ही ख़राब था और बहुत ही नैरो था, एकदम हिमालय का माउंटेन के एकदम साइड से। एक्चुअली वो वाला रोड नेपाल का जाना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट रोड इन नेपाल। देखते हैं एक्चुअली वो वाला अभी जो देखते देखेंगे आप वो शायद उतना नहीं लगेगा कि ख़राब है, मगर उसका हालत ख़राब हो जाता है बारिश में। चलो देखते हैं।